हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। भाई लोग यार, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। टुडे वी गोइंग टू रिव्यू अनदर रैकेट, योनिक्स का करने वाले अपन अगेन नैनो रे सीरीज का। बट भाई आज मुस्कान की चमकान इसके लिए, क्योंकि भाई आज तुम्हारा भाई अपना खुद का रैकेट रिव्यू करने वाला है। भाई अपनी चीज़ों के बारे में थर्ड पर्सपेक्टिव से बात करने का मज़ा ही कुछ अलग है। दिस इज़ माई रैकेट विच आई यूज़ टू प्ले बैडमिंटन। भाई इसी से मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। थोड़े टाइम के लिए रैकेट भाई हाइटस पे चला गया था। हाइटस का मतलब होता है थोड़े टाइम की छुट्टी के लिए चला गया था, जिन लोगों को मतलब नहीं बताया भाई। तो ये रहा नैनो रे 18i, जो मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं भाई रिव्यू कर दो। आई रिमेंबर मैंने एस्ट्रॉक्स 27i का जब रिव्यू किया था, सो लॉट ऑफ पीपल आज मी कि भाई ये वाले रैकेट का कंपेरिजन कर दो या वीडियो बना दो, जो भी कुछ कर सकते हो बस ये रैकेट को चैनल पे ले आओ। तो भाई ये रैकेट को चैनल पे तो लेके आना ही था यार, क्योंकि अपना खुद का रैकेट है। थोड़ी गटिंग वटिंग और ग्रिप विप चेंज की है मैंने अपने गेम स्टाइल के हिसाब से। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। टेस्ट करूँगा, स्पेसिफिकेशन बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि मैंने ये रैकेट एक्चुअली क्यों लिया था। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। पी नैनो रे 18i की भाई स्पेसिफिकेशन पहले बात कर ले। वैसे मैं बता दूँ, मैंने इसकी गटिंग चेंज की है, मैंने इसकी ग्रिप भी चेंज की है, रिसेंटली करवाई है पहले। लेकिन रैकेट आके देख लो, बेस कलर ब्लैक है, थोड़ा ब्राउन मिलता है, ब्राउन है कि गोल्डन है, वैसे तो लाइट ब्राउन बोल सकते हो, खाकी कलर जो मिलता है आपको लाइट ब्राउन उस तरह का है। योनिक्स ब्लू में लिखा हुआ है। यहाँ पे आके देखो तो भाई नैनो रे लाइट 18i लाइट से इसका मतलब ये है कि भाई द रैकेट इज एक्सट्रीमली लाइट विच गोज टू 72 ग्राम से लेके 79 ग्राम तक, एक्चुअली 75 पकड़ लो टू बी वेरी टेक्निकल एंड स्पेसिफिक। अभी देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फुल ग्रेफाइट रैकेट है, यानी कि जो कंप्लीट हेड भी है और जो शाफ्ट भी है वो कम्प्लीटली ग्रेफाइट मटेरियल का ही है। कमिंग टू द हेड शेप ऑफ द रैकेट, क्वाइट एविडेंट इट इज़ एन आइसोमेट्रिक हेड शेप। स्वीट स्पॉट बड़ा मिल जाता है इसके अंदर, आइसोमेट्रिक भी ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो अगर ये रैकेट के अंदर, तो सिंगल पीस टी जॉइंट मिल जाता है आप लोग को ये वाले रैकेट के अंदर भी। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डेवलप बाय योनिक्स जापान की आप लोग को ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये रहा PBSI वाला मार्क, यहाँ पे जो होलोग्राम होता है वो मैं निकाल चुका हूँ भाई, क्योंकि अपन खेलते वेलते नया जब आता है तभी मैं रखता हूँ, नहीं तो मैं निकाल देता हूँ। होलोग्राम का करना है, अपने को होलोग्राम से कुछ काम नहीं है। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रैकेट थोड़ा और डिटेल में, तो अगर इसकी जो स्ट्रिंग टेंशन है जो आप इसको खींच के लेके जा सकते हो वो है 30 LBS की, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो इधर भी 30 LBS लिखा हुआ है, तो उससे पता चल जाता है अगर आप लोग सिर्फ रैकेट लेने भी जाओगे। इफ़ यू गाइज डोंट नो अबाउट द स्पेसिफिकेशन, सो इट्स ऑलरेडी रिटन ईयर कि 30 LBS तक इसको आप खींच के लेके जा सकते हो। वेट एक्सट्रीमली इसका लाइट हो जाता है। द रीज़न आई बॉट दिस रैकेट वो मैं आप लोग को एंड में बताऊँगा, बट फॉर नाउ रैकेट को जाके टेस्ट करेंगे। ग्रिप साइज़ मैं आप लोग को इसके बता दूँ जस्ट बिफोर वी गो एंड टेस्ट द रैकेट, इस G4 ही अपनी जो नॉर्मल ग्रिप साइज़ आप लोग को मिल जाती है ये वही वाली है। रैकेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए भाई कम से कम आई थिंक मैं इसको 1 साल या 1.5 साल से यूज़ करो, अभी जाके टेस्ट करूँगा। लेट्स सी दिस रैकेट फ्रॉम अ थर्ड पर्सपेक्टिव, क्या मेरा पर्सपेक्टिव एक्चुअली मेरे रैकेट को लेके चेंज हो जाता है या नहीं होता है, वो हम लोग देखेंगे। टेस्ट के बाद मैं आप लोग को बता दूंगा क्यों मैंने रैकेट खरीदा था। अब भाई इतना रैकेट के साथ खेले, देखो मेरे पास ये रैकेट 1 साल 1.5 साल से मैं रोज़ ये रैकेट के साथ खेलता हूँ, मेरे को पता है ये रैकेट के बारे में। आई डोंट नीड टू एक्चुअली गो एंड टेस्ट द रैकेट बिकॉज आई एम ऑलरेडी टेस्टिंग दिस रैकेट सिंस अ ईयर। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये रैकेट जो है ना हेडलाइट रैकेट है, ठीक है। इसका वेट यहाँ पे कम है, इस तरह थोड़ा ज़्यादा है इसका रैकेट का जो वेट है। शाफ्ट है जो इसका वो मीडियम फ्लेक्स हो जाता है आप लोगों को, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा ही है बट स्टिल अच्छा है। अब जब रैकेट के साथ आप लोग खेलते हो ना भाई,
तो रैकेट काफ़ी ज़्यादा लाइट है यार। सबसे पहली बात तो ये कि दिस रैकेट इज़ एक्सट्रीमली लाइट टू प्ले विद, तो मेरे को इन बिटवीन स्विच करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। एंड कैसे अगर फोर हैंड से लेकर तुरंत ही बैक हैंड ले लिया तो फिर उस तरह के गेम में मेरे को ये रैकेट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और कैसे मैं काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट गेम खुद के ऊपर ही खेलता हूँ, क्योंकि यार आई लाइक कि मैं जिस तरह एग्जैक्टली चाह रहा हूँ ना शटल जाए, ये उसी तरह जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रैकेट के अंदर जितनी पावर है और जो मैंने लगाई तो उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा या कम हो जाए। इट्स क्वाइट मेरा कैसे कि यार आई रियली वॉन्ट द शटल टू गो इतना सर्टेनिटी और इतना क्या बोलते हैं एक तरह की यू नो इतनी वो नीचे उसके अंदर एक होनी चाहिए, एक शार्पनेस होनी चाहिए, एक उस तरह की क्या बोलते हैं यार आई फॉरगेट द वर्ड एकदम से क्या क्या बोलते हैं एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी, थैंक यू एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ जानी चाहिए कि भाई वो जहाँ मैं डालना चाह रहा हूँ ना शटल वहीं जानी चाहिए। इसलिए भाई नैनो रे लाइट 89 मैंने वाला रैकेट लिया था, क्योंकि जब मैं स्मैश वैश खेलता हूँ तो दिस एग्जैक्टली गोज वेयर आई वॉन्टेड टू गो। अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो दिस एग्जैक्टली गोज वेयर आई वॉन्टेड टू गो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली हर प्लेयर का अपने दिमाग में किसी ना किसी तरह से चीज़ें चलती है, तो भाई ये मेरा साइकोलॉजिकल है इसलिए मैंने रैकेट लिया था। बट नाउ फॉर पीपल हु वॉन्ट टू टेक दिस रैकेट, अगर आप लोग अपने गेम के साथ काफ़ी ज़्यादा यू नो एक तरह से यू गाइज नो आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर अपना गेम कर लिया है, यू गाइज हैव डन दैट काइंड ऑफ एक इंट्रोस्पेक्शन हो गया अपने गेम का कि भाई मेरा गेम इसी तरह का है, जैसे कि थोड़ा ऑफेंसिव है लेकिन आई यू लाइक टू स्विच इन बिटवीन, थोड़ा डिफेंसिव भी हो जाता हो, बट थोड़ा लाइट वेट रैकेट आप लोग को चाहिए सो दैट जो फास्ट मूवमेंट्स होती है, क्विक रैलीज जो होती है, जो पावर शॉट्स होते हैं, जो स्मैशेस होते हैं, जो आपके कलेक्ट करने के डिफेंसिव शॉट्स होते हैं, वो अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो उसके लिए नैनो रे लाइट 89 परफेक्ट रैकेट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस रैकेट है ये वाला। एस्ट्रोक्स लाइट के साथ भी आप लोग ने मेरे को बोला था इसे कंपेयर करने के लिए 27i के साथ, वो वीडियो भी अपन जल्दी बनाएंगे। बट नाउ दिस रैकेट इज़ रियली इंप्रेसिव टू मी, एटलीस्ट मैं एक साल से तो इसलिए रैकेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये रैकेट के साथ मेरा गेम बैठ गया और मेरा थोड़ा पर्सनल कनेक्शन हर एक स्पोर्ट्स एक्सेसरी जो मैं अपने लिए खरीदता हूँ, चाहे वो जर्सी हो जाए, चाहे जूते हो जाए, चाहे सॉक्स हो जाए, तो एक डेवलप हो जाता है। एंड सर्टनली मेरा गेम ये रैकेट के साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया है विद टाइम। आई हैड एन इंजरी इन बिटवीन, वो कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। सो उसके बाद भी दिस रैकेट स्टिल इट फील्स लाइक कि ये भाई अपना रैकेट है, दिस इज़ अ रोचक सक्सेना रैकेट, सो इट फील्स गुड इन माई हैंड। बट नाउ अगर आप लोगों को रैकेट खरीदना है तो भाई अगर ऑफेंसिव डिफेंसिव थोड़ा बहुत आप लोग करते हो, लाइट वेट रैकेट चाहिए, शाफ्ट आप लोग को अच्छा चाहिए कि भाई थोड़ा ज़्यादा हार्ड हिटिंग हो जाए, क्योंकि शाफ्ट भी देखो इसका काफ़ी ज़्यादा बेंड हो जाता है एंड हेडलाइट भी है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू प्ले फॉर कैसे कॉन्स्टेंट रैलीज अगर आप लोग खेलना चाहते हो तो उस तरह से बहुत सही है। एक होते हैं ना यार कि बार बार इंसान स्विच कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ मूवमेंट्स हो रही है, वापस आपको पीछे आना है, बट स्टिल यू टू रिटर्न द शॉट नाउ, यू टू गो एंड स्मैश इट नाउ, तो उस तरह के गेम के लिए भाई नैनो रे लाइट 89 इज द परफेक्ट रैकेट फॉर यू गाइस। नाउ थोड़ी बात ज़्यादा लंबी हो गई, बट द रियल रीज़न आई गॉट द रैकेट वॉज बिकॉज दिस रैकेट वॉज लाइट वेट रैकेट। जब मैं अपना एक्चुअली गेम खेलता था, ठीक है, अगर मैं इंडोर भी खेलता था, फॉर मी द थिंग वॉज कि आई नीडेड फास्ट मूवमेंट्स विथ माई हैंड, तो भाई मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि दिस रैकेट वॉज प्योरली लाइट वेट, और कोई इसके ऊपर मेरा रीज़न नहीं है कि इस तरह जानी चाहिए उस तरह जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो जब मैंने रैकेट ले ली, मैं खेलने लग गया, तब मैंने सारी चीज़ें डिस्कवर की। बट व्हेन जब मैं शॉप में गया और मैंने रैकेट उठाया, तब सिर्फ एक ही रीज़न था कि आई नीड अ लाइट वेट रैकेट जो भाई अच्छा टिक जाए, लंबे टाइम के लिए टिके। मेरे हाथ में मेरे गेम स्टाइल तो इतना कुछ तब था नहीं, जब लिया था तब थोड़ा इंटरमीडिएट हो, ज़्यादा खर्च ना करना पड़े, और क्या भाई सुंदर मजबूत टिकाओ और बस टिक जाए, तो बस यही मेजर रीज़न था। लाइट वेट रैकेट अपने को खरीदना था अपने लिए, इसलिए अपन ने ये वाला रैकेट खरीद लिया था। नाउ द प्राइस ऑफ द रैकेट, भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। 2000 वैसे इसका MRP है, बट यू गेट दिस 1890 में मिल जाता है, कहीं गए आपको 1700 में मिल जाता है, डिपेंडिंग आपको 10% डिस्काउंट देते हैं, 15% डिस्काउंट देते हैं, या अगर आप बार्गेन बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो तो आप ज़्यादा डिस्काउंट निकाल लो, तो भाई वो सारी चीज़ भी अच्छी हो जाती है। बट अमेजोन के ऊपर आपको ये 1700-1800 के रेंज में ही फ्लक्चुएट इसकी जो प्राइसेस होती है ना वो उसके बीच में होता रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग को ये वाला रैकेट देखने के लिए मिल जाता है। फॉर मी आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट नैनो रे लाइट 89 रैकेट, आई मीन नैनो रे सीरीज का आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रैकेट्स दैट योनिक्स हैज एवर मेड। इसलिए भाई क्योंकि ये सीधा एस्ट्रोक्स वाली सीरीज के साथ कम्पीट करता है, और लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट द रैकेट और इट्स क्वाइट फेमस। तुम लोग ने भी भाई इसलिए मेरे को बोला था करने के लिए क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये वाला रैकेट, इसलिए भाई अपन ने रैकेट का रिव्यू भी किया क्योंकि आई न्यू कि ये रैकेट मेरा ही है। एंड इसके साथ थोड़े बहुत एक चोट भी हो गई थी कमेंट्स में, अगर आओगे, अगर आप लोगों को जानना चाहते हो तो थोड़ा बहुत रैकेट के साथ सीन भी हो गया था, दैट्स व्हाई आई वाजंट यूजिंग दिस रैकेट एंड आई स्विच्ड टू एस्ट्रोक्स 27i लाइट। भाई कवर तो दिखाया नहीं मैंने आप लोगों को इतनी बातों के चक्कर में, दिस इज़ द कवर, नैनो रे वाला कवर आप लोगों को मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है,
ठीक है, नॉट अ वेरी बैड कवर, थोड़ी बहुत कुशनिंग मिल जाती है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरा रैकेट तो इतने टाइम से महफूज ही है इसके अंदर। जिपर वेपर भी इसका काफ़ी टाइम से अच्छा चल रहा है, कोई मोची ओची के पास लेके जाने की फिलहाल ज़रूरत पड़ी नहीं है। थोड़ा बहुत हाँ गंदा वंदा हो जाता है, बट ठीक है, यू कैन ऑलवेज वॉश इट, वॉशेबल भी है। थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ तो इतना नहीं है, ऊपर वाला थोड़ा बहुत पानी से बचा लेगा, बट ठीक है, कौन सा बारिश में जाके तुम्हें बैडमिंटन खेलना है यार। अब एक दो चीज़ें रैकेट के बारे में लास्ट बता देता हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। भाई अभी इसके अंदर जो स्ट्रिंग टेंशन फिलहाल है, आई थिंक 25 LBS की स्ट्रिंग टेंशन मैंने इसके अंदर अभी डाली हुई है, जो कि मेरे लिए फिलहाल फिट बैठता है। मैंने अभी तक इतना स्ट्रिंग टेंशन बढ़ाने का सोचा नहीं है, आई माइट इफ आई गो फॉर अ न्यू रैकेट, बट फिलहाल ये रैकेट के अंदर 25 LBS आई थिंक इज़ अ कॉन्स्टेंट, इज़ अ गुड स्ट्रिंग टेंशन फॉर मी। शायद मैं अगर इंडोर में खेलूँ तो फिर आई माइट गो एंड इंक्रीज द स्ट्रिंग टेंशन, बट फॉर आउटडोर फिलहाल दिस वर्क्स परफेक्टली फॉर मी। आई शो यू द फोटोज एज वेल। जो ग्रिप है ना वो ब्लैक कलर की आप लोग को मिल जाती है ओरिजिनल, उसकी फोटो आप लोग देख लेना। एंड जो यहाँ पे भी है ना वो आप लोग को एक सिल्वर तो नहीं, एक्चुअली ग्रीन या येलोइश टाइप का, जितना मेरे को याद है आई थिंक येलोइश टाइप का योनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। फोटो लगा दूंगा, डोंट वरी, उस तरह की आप लोग को गटिंग मिल जाती है इसके ऊपर। सो येस, आई थिंक यार कुछ ज़्यादा अपने रैकेट के बारे में बोल दिया, आई रियली लव दिस रैकेट यार, इसलिए जो भी बोल रहा हूँ जेन्युइनली दिल से निकल रहा है। सो आई थिंक आप लोग अच्छा लगा हो वीडियो, आप लोग ने मेरे को बोला था रिव्यू करने के लिए, तो भाई आई थॉट कि अपना रैकेट रिव्यू करेंगे तो यार थोड़ा प्रॉपर अच्छे से गटिंग करवा के ग्रिप वेप लगा के जब आई गेट बैक इन द गेम विथ माई ओन रैकेट तब करेंगे। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर देना प्लीज़। अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट्स में भी नीचे मेरे को बोल सकते हो आप लोगों को कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे रोचक फॉर स्पोर्ट्स है, DM कर सकते हो, जेन्युइनली बता देना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। यू गाइज कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रैकेट रिव्यूज कमिंग अप सूनर देन एवर पीपल। एंड यार एक बार और याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जेन्युइनली अच्छा फील होता है। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।